हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अपन कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो ये है कि इसमें कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की तो वैल्यू चेंज नहीं करनी है और कुछ की वैल्यू चेंज करनी है नई बैलेंस शीट में। नई बैलेंस शीट में रिजर्व की वैल्यू चेंज नहीं करनी, रिजर्व को एज इट इज ट्रांसफर करेंगे नई बैलेंस शीट में, और बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में लिखनी है। तो इसमें ये हो गया कि कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज करनी है और कुछ की वैल्यू चेंज नहीं करनी, उनका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। सिंपल थ्योरी वाली बात है कि जिन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं करनी है उनका एडजस्टमेंट करेंगे अपन गुडविल की जैसे, और बाकी जिनकी चेंज करनी है वो अपन जैसे अपन करते आए पहले के क्वेश्चंस में जो करते आए रिवोल्यूशन अकाउंट बना करके उसके थ्रू अपन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और बैलेंस शीट में नई वैल्यू लिख देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट 4:3। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। सन्डी क्रेडिटर्स, रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, कैश, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स। दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। फॉर दिस पर्पज डिसाइडेड। नया रेशियो आ गया 2:1 और पुराना था 4:3। पुराना 4:3, नया 2:1। इनके बेसिस में अपन यहाँ इनके गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो एक्स का तो आएगा आपके पास में गेन 2/21 और वाई का आएगा सेक्रीफाइस 2/21। गेन और सेक्रीफाइस दोनों बराबर होने चाहिए, ये अपन ध्यान रखेंगे हमेशा। यस, तो एक्स का तो आ गया आपके पास में गेन आ गया और वाई का आ गया सेक्रीफाइस आ गया आपके पास में। यस, आगे कह रहा है द फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, ए प्रोविजन 6% टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक वैल्यूड एट 1,90,000 एंड अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। द पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स। जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो रिवाइज वैल्यू जाएगी बैलेंस शीट में। इसका मतलब अपने को रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाउएवर दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, लेकिन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं वो। डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, रिजर्व को एज इट इज नेक्स्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इसका काम होगा गुडविल की जैसे गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो में। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट। यस, अपन चालू करते हैं। अब बैलेंस शीट में जो रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला आइटम है इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नई बैलेंस शीट में अपन इसको एजेट लिख देंगे रिजर्व को। यस, और कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है इसमें से। दे डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम, यस, यहाँ गुडविल भी नहीं दे रखी तो गुडविल का अपन छोड़ देंगे एडजस्टमेंट। फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। फिक्स एसेट्स 1,50,000 की 10% डेप्रिशिएशन होगा 15,000 रुपये का, लॉस हो गया टू फिक्स एसेट्स 15,000, और यहाँ पे फिक्स एसेट्स हो जाएगी आपके पास में 1,35,000। फिक्स एसेट्स जो कि 1,35,000, 15,000 से कम हो जाएगी। प्रोविजन ऑफ 6% टू बी मेड ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 6% प्रोविजन, 1,20,000 है, 6% हो जाए इनका 7,200 रुपये। 7,200 रुपये का प्रोविजन लॉस हो गया अपने पास में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 7,200, और यहाँ डेटर्स में से लेस हो जाएगा 1,20,000 माइनस 7,200 1,12,800, 8 2 10 7 2 9 10 1 1 2, ये हो गया आपके पास में डेटर्स में से। फिर आगे कह रहा है ये प्रोविजन हो गया स्टॉक वैल्यूड एट 190, स्टॉक की नई वैल्यू है 1,90,000 रुपये, पुरानी क्या है 1,40,000, तो 50,000 रुपये से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। स्टॉक की नई वैल्यू है 1,90,000 और पुरानी वैल्यू है 1,40,000, इसका मतलब 50,000 से बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया अपने पास से 50,000 रुपये का। तो बाय स्टॉक 50,000, स्टॉक हो गया अपने पास में 50,000 एंड अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। नया बैलेंस लिख देते हैं स्टॉक का 1,90,000, ध्यान रहे दोनों जगह पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि कोई पेंडिंग नहीं रहे अपने पास में। एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्स, क्रेडिटर्स में से 3,700 रुपये 3,700 नॉट लाइकली टू बी पेड, लाइबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया आपके पास में। तो प्रॉफिट हो गया क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स
3700। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 28,000, 28,000 में से 3,700 तो 24,300, 3,700 चले जाएंगे, 24,25 और 3,28 हो जाएंगे, 28,000 में से 3,700, 7×3=10, 24×27=28,000 हो जाएंगे, ठीक है, अमाउंट हो गया। अब कुछ भी नहीं करा है, चलो अब आगे अपन इसका बैलेंस निकालते हैं कि इसका क्या रहता है। 53,700, 5×7=12, 5×7=12, 12×1=13=31, 15×7=22, यस 7×5=12, 13×1=13=5, 2 कैपिटल अकाउंट, क्या क्या नाम है इनके, एक्स एंड वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका, 4:3, 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 31,500 / 7, तो 7×28, 7×28 3×35, 7×5=35, 7×5=4,500, तो 4:3 तो मतलब हो गया 4×16 तो 18,000 और 3 में हो गया 4×3=12, 13,500, 5×3=11, यस। अब ये आ जाएंगे क्रेडिट साइड में बाई रिवेल्यूएशन, 18,000 और 13,500, ये रिवेल्यूशन हो गया। अब आगे क्या करें, आपने को जनरल रिजर्व की बात कर रहा है, इसके बाद में जनरल रिजर्व, द पार्टनर डिसाइडेड टू रिवाइज द वैल्यू इन द बुक्स, हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो रिजर्व की अपन ने बताया कि इसका गेन था, इसका सेक्रीफाइस था, 2/21, 2/21, इसको 42,000 रिजर्व के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो अमाउंट आया आपके पास में 4,000, कितना बैलेंस, 4,000 रुपये। तो यहाँ पे एंट्री हो गई, गेन वाले को क्रेडिट डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करते हैं, तो वाई क्रेडिट कर दिया और एक्स को डेबिट कर दिया 4,000 रुपये से, तो एक्स के तो डेबिट हो जाएंगे टू वाई कैपिटल 4,000 रुपये, और वाई एक्स को क्रेडिट करेंगे, सॉरी एक्स क्रेडिट वाई के क्रेडिट करेंगे, तो एक्स कैपिटल 4,000 रुपये। इस तरह से अपन ने ये एंट्री कर ली, इसकी जनरल रिजर्व की एंट्री, ये एंट्री हुई है आपके पास में जनरल रिजर्व, यस। और क्या एडजस्टमेंट करना अपने को, और सब कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, आप बैलेंस निकालते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस और उनको फाइनल करते हैं। बैलेंस सी डी 254,254 और 137,500, ये बैलेंस आ जाएंगे आपके पास में 254,000 और 137,500। अब इसमें जो जो बैलेंस लिखे हुए नहीं है वो अपन पुराने बैलेंस शीट से कॉपी कर लेते हैं, जैसे कैश 20,000, कैश 20,000 हो गया, सेंडिटर्स आ गया आपके पास में, स्टॉक आ गया और फिक्स एसेट्स आ गई, क्रेडिटर्स आ गए, रिजर्व 42,000, बस अब इसका अपन टोटल लगा लेते हैं, यस। इस तरह से आपके बैलेंस शीट का टैली हो गई 4,57,000। अब इसके अपन आगे जनरल एंट्री के लिए भी कह रहा है ये पार्टनर से, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स रिवाइज बैलेंस शीट। अब जनरल एंट्री से बताता हूँ, इसमें जो ध्यान रखने की बात थी, इन सब की तो वैल्यू चेंज हो गई, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई उसके सेक्रीफाइस और गेनिंग में किया अपन ने काम। बाकी जनरेटरी अपन इससे बना सकते हैं, जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड में किया तो इन दोनों को क्रेडिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डी आर टू फिक्स एसेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फिक्स एसेट्स 15,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 7,200, टोटल हो गया 22,000, 15×7=22,200। फिर इधर ये क्रेडिट किए हैं तो इन सबको डेबिट और रिवोल्यूशन क्रेडिट, स्टॉक डी आर क्रेडिटर्स डी आर टू रिवोल्यूशन 50,000,
और 53,700 रुपये। तीसरी एंट्री इस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कर देंगे अपन, क्रेडिट साइड में किया, इसके डेबिट साइड में किया, तो ये तो क्रेडिट और रिवोल्यूशन डेबिट। रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 18,000 और 13,500 डेबिट हो गया 31,500। यहाँ रिवोल्यूशन एक्स कैपिटल का हो गया, और कोई एंट्री होगी नहीं आपके पास में। इस तरह से ये चार एंट्री हुई आपके पास में, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, ये चार एंट्री हुई आपके पास में। पहली एंट्री अपन ने जनरल लेजर का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया था उसके सेक्रीफाइस और गेनिंग की तरह से की, जो सेक्रीफाइस था उसको क्रेडिट किया, जो गेनिंग था उसको डेबिट किया। फिर बाकी की एंट्री अपन ने रिवोल्यूशन अकाउंट के बेसिस पे की, रिवोल्यूशन अकाउंट के जो डेबिट साइड में आइटम लिखे हुए हैं उनको तो कर दिया क्रेडिट और रिवोल्यूशन को डेबिट। रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू फिक्स एसेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। फिर अपन ने दूसरी एंट्री की है ये वाली, जो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में जो लिखे हुए हैं इनको तो डेबिट कर दिया और रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर दिया। स्टॉक अकाउंट DR, क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये कर दिया अपन ने। और लास्ट में एंट्री की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ इसके डेबिट साइड में तो इनको तो कर दिया क्रेडिट और रिवोल्यूशन को डेबिट। रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, इस तरह से अपन इसकी जनरल एंट्रियाँ की है और आपके पास में ये बैलेंस शीट अपन ने टेली की। इसमें जो ध्यान रखने की बात थी, इन सब के स्टॉक क्रेडिटर्स फिक्स एसेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेटर्स, इन सब की तो रिवाइज वैल्यू हो गई, और जो जनरल रिजर्व था उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसका काम अपन ने किया है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो में, और बाकी की सबकी रिवाइज जैसे अपन करते हैं वैसे ही किया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।